Hi students, very good morning. Today we are going to solve 1.2 practice set of chapter 1 geometry and standard. So coming to this side, we can see that there are three important theorems from this chapter, at least for solving 1.2 exercise. BPT, basic proportionality theorem, very important. Converse of BPT, उसका उल्टा, converse means opposite. Angle bisector theorem, so third theorem which is important. So these three theorems are important. You can practice from the textbook because chances are that at least one theorem will come in the exam. It carries 3 to 4 marks in board exam. So you have to remember the statement of theorem by heart and then given to proof, construction and then the entire solution. Everything you have to remember by heart, practice, so that exactly you can write in the exam and get 3-4 marks. Coming to the exercise, now understanding these theorems and solving them means their application is very much important. So we should be able to understand this theorem and apply when we are solving the question. Otherwise, it's useless. So let's understand. BPT का मतलब होता क्या है? BPT theorem use तब करते हैं जब एक triangle के अंदर ऐसे दो lines को parallel बताया जाए. तो हम BPT थ्योरम यूज करते हैं. क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या है? ताकि हम किसी एक वैल्यूज को जो नहीं पता है उसको ढूंढ सके. BPT थ्योरम यूज करते हैं इस तरह के पार्ट्स की, कोई भी एक वैल्यू अगर मिसिंग है तो हम उसको ढूंढ सकते हैं BPT थ्योरम यूज करके. दूसरा थ्योरम उसका कन्वर्स, मतलब उल्टा. अगर हमने BPT थ्योरम को वैल्यूज के हिसाब से इन रेशियोज को इक्वल बता दिया, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है, तो अगर हमने उन रेशियोज को इक्वल बता दिया, AP upon BP equals to AP upon QC, तो हम ये प्रूफ कर पाते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. BPT थ्योरम में ये होता है यहाँ पर कि ये पहले से ही दिया हुआ है कि इफ PQ पैरेलल टू BC तो ऐसा होगा. This upon this equal to this upon this. BPT theorem, अगर दो lines parallel पहले से ही बताया है, that means this upon this equals to this upon this. उसमें values डालेंगे, एक missing value मिल जाएगी. अगर हमने ये proof कर दिया कि ऐसा है, तो हम ये कह सकते हैं कि this line is parallel to this line. उसको बोलते हैं converse of BPT. ठीक है. तीसरा आते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ये थ्योरम में सिर्फ इतना समझना है कि क्या रेशियो रेडी होता है एंगल बाइसेक्टर से. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर. अगर कोई भी एक एंगल है और बीच में से एक कोई भी एक रेज आती है जो उस बड़े एंगल को 50-50 हाफ हाफ में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उस रे को हम बाइसेक्टर बोलते हैं. और इसीलिए इस थ्योरम का नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, ये क्यों यूज होता है? ऑफ कोर्स ये थ्योरम भी एक इक्वल रेशियो शो करता है जिसके अंदर आपको दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बड़ा टुकड़ा अपॉन छोटा टुकड़ा इक्वल टू छोटा टुकड़ा इक्वल टू सॉरी अपॉन छोटा टुकड़ा. सो AC upon AB, AC upon BC, it should be BC. AC upon BC equals to AB upon EB. ठीक है, तो ये जब इक्वेशन हमें मिल जाएगा तो उसमें हम गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर हम उसका सॉल्यूशन जो अननोन वैल्यू है उसको ढूंढ सकते हैं.
तो इस तरीके से आपको बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी या एनएल एसेप्टर को यूज करके कोई भी रिक्वायर्ड वैल्यू ढूंढना है 1.2 एक्सरसाइज में। अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन 1.2 का, जो कहता है कि आइडेंटिफाई विच ट्रायंगल। टेक्स्ट बुक में आपको वैसे तीन ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, यस तीन ट्रायंगल्स, जिसके अंदर आपको एंगल क्यू पी आर दिखाई देगा और उसके बीच से निकलती हुई एक रे दिखाई देगी, पीएम, रे मीन्स एक रेखा तीर की तरह वो दिखाई देगी। तो वो बता रहे हैं कि ये बताओ कि रे पीएम उसकी बाइसेक्टर है भी या नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि हम कब कह सकते हैं कि कोई भी रे किसी भी एंगल की बाइसेक्टर है, हम ऐसा तब कह सकते हैं जब ये रेशियो इक्वल आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रे है वो बाइसेक्टर है। उसी तरह यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, उन्होंने गिवन इंफॉर्मेशन दी है, सॉल्यूशन पे सबसे पहले गिवन लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में लिख दो वो रेशियो, जैसे एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होता है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, उसका नाम के साथ में मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से पीटी अपॉन पी आर इक्वल्स टू क्यू क्यूएम अपॉन एम आर। तो मैंने ये भी लिखा इफ ये रेशियो बन गया देन रे कैन बी रे पीएम कैन बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, मतलब अगर ये रेशियो रेडी हो गया तो हम कह सकते हैं कि रे पीएम बाइसेक्टर है। तो ये रेशियो पहले हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पीटी अपॉन पी आर, क्योंकि हमें वही चाहिए, तो पीटी की वैल्यू ये है 7 और पी आर की वैल्यू ये है 3, ये हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1। फिर उसके बाद हमें ढूंढना है कि वह मार्क है बार, आखिर में हमें यही चेक करना है कि ये दोनों रेशियो इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पीटी अपॉन पी आर की एक वैल्यू मिली इक्वेशन 1, क्यूएम अपॉन एम आर क्या है, क्यूएम क्या है 3.5, एम आर क्या है 1.5। अब 0.5 को कैंसिल करने से, यानी ऊपर नीचे कोई टेबल पढ़ने से अच्छा है हम उसको डेसिमल लेस कर देते हैं, मतलब उसमें से डेसिमल्स हटा देते हैं, कैसे हटेगा, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ऐसे नीचे भी है पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 10 से। अब ये नंबर क्या बन जाएगा, 3.5 इंटू 10 हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब 5 के टेबल में दोनों रहता है, 5 7 35, 5 3 50, तो आ गया 7/3, इसको नाम देंगे इक्वेशन 2। तो 1 एंड 2 को अगर हम देखेंगे तो वैल्यू सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन एम आर, देयरफॉर रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, डन, ये हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हमने किया, सेकंड और थर्ड भी हम कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। आपको खाली ये देखना है कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो हम लिखेंगे रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर। एक चीज और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का अपोजिट वाला थ्योरम के हिसाब से ये रे बाइसेक्टर हो गई। तो आपको सारे दो बाकी के दो क्वेश्चंस में फर्स्ट का सेकंड और थर्ड में भी आपको इसी तरह दो वैल्यूज को सेम करनी है, सेम आया वैल्यू निकालने के बाद में सेम आया तो ये स्टेटमेंट लिख के रीजन डाल के आपको लिखना है रे पीएम इज बाइसेक्टर, और अगर नहीं आता है तो आपको लिखना है रे पीएम इज नॉट बाइसेक्टर।